सो दिस इज अ 13 ईयर ओल्ड, 13 साल की बच्ची है। आप करीब आए तो आपको नजर आएगा, इसके ना प्रॉक्सिमल फीमर का फ्रैक्चर है, और ये फ्रैक्चर अपनी जगह, हड्डी तो टूटी है मगर अपनी जगह से बिल्कुल डिस्प्लेस हो गई है, हिल गई, बिल्कुल टूट के बिल्कुल हिल गई है ये। इसके अगर आप करीब से देखेंगे तो ये बहुत कॉमन होता है, जब बच्चे बाइक पर दुपट्टा आता है तो बिल्कुल देखा निशान नजर अगर आ रहा है तो। इसके बेसिकली मैसेज दो हैं, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। ये अंधे लग जाते हैं कभी कभी, ये तो बहुत ख्याल रखना होता है कि दुपट्टा अबाया वगैरह, ये बिल्कुल बहुत, ये देखिए तो पब्लिक मैसेज ही है। हड्डी तो हम जोड़ देते हैं मगर खुदा ना करे अगर हेड इंजरी हो तो वो तो उसी वक्त बनाने के लिए काफ़ी नुकसान हो जाता है मेरा। अब आज दो हफ्ते हुए हैं, आज हम इसकी स्टिचेस को रिमूव करेंगे, और हमने जो उसकी इंटरेस्टिंग की प्लेट लगाई है, जो कि इधर कम लोग लगाते हैं, हम लोग पीडियाट्रिक्स में लगाते हैं, यानी जब बच्चों की हड्डी टूटती है। ये छोटी बच्ची है, 13 साल की बच्ची है, इसकी फाइसिस फ्यूज़ नहीं हुई है, तो इसकी हमें एल प्लेट यानी ब्लेड प्लेट लगाई है, तो हम फाइसिस से भी इसके दूर हैं जहाँ से हड्डी लंबी होती है। तो इंशाल्लाह अभी तो सिर्फ दो हफ्ते हुए हैं और ये फ्रैक्चर ऑलमोस्ट गायब भी नज़र आ रहा है, आपको हड्डी जुड़ना शुरू हो गई है। अगर आप पहले एक्सरे देखेंगे तो इसका ये था, ये हड्डी टूटी हुई थी यहाँ से, तो अब ये अपनी जगह पे 100% आके बैठ गई। अब इसको फिर हम आज से कंटिन्यूशन करेंगे, मेरे पास इसको तकरीबन 3.5-4 हफ्ते बाद देखेंगे इंशाल्लाह, 3.5-4 हफ्ते तक उसमें वज़न डाल के चलाना शुरू कर दूँगा वॉकर के ऊपर हल्के हल्के। ठीक है, गुड, एक्सेलेंट।